नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएड में गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए मुझे कितने दिन मेहनत करनी पड़ी, कौन सी बुक से मैंने तैयारी की, कितने दिन तैयारी की, आदि बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं इसमें आपको अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब मैंने एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था तो मुझे एमएड के बारे में नॉलेज नहीं थी, कितनी सीटें यूनिवर्सिटी में हैं, क्या होता है। बस मैंने ये सुना था कि एमएड के बाद बीएड डिग्री कॉलेज के टीचर बन जाते हैं। तो मैंने एमएड के लिए आवेदन कर दिया। उस समय मैं एमकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था और उस समय बीएड भी एक साल का होता था और एमएड भी एक साल का होता था। मैं बीएड करके ही निपटा था कि मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया और एमकॉम में एडमिशन लेने के बाद में मैंने फर्स्ट ईयर किया और मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर कर ही रहा था। इसी बीच में एमएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ गए और मैंने एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिया। मुझे नॉलेज नहीं थी कितनी सीटें एमएड की यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में है। मैंने एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एमएड किया है। मुझे यहाँ तक नहीं पता था कि फीस कितनी है, सीटें कितनी है और यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें कितनी है। तो यहाँ पर एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एकमात्र हिंदू कॉलेज मुरादाबाद ऐसा है जो एडेड कॉलेज है और एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग समान ही फीस जाती है, लगभग दोनों को बराबर नजर से देखा जाता है। तो मुझे एमएड के लिए हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला। यहाँ पर मात्र 20 सीटें हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कुछ सीटें हैं। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिया। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसमें बीएड से संबंधित 100 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, 50 प्रश्न जीके के होते हैं। तो देखिए, जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने बीएड मेरठ से सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया है और वहां पर मैं रहकर बीएड कर रहा था। तो मैंने इतनी मेहनत की जिंदगी में मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। वहां पर मैंने जो मेरी बीएड की बुक थी उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, बहुत ही कंसंट्रेशन होकर वहां पर पढ़ा था। एमएड का जब यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बात आई तो मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर सका, कुछ व्यक्तिगत कारण थे। मात्र 6-7 दिन ही मैं यहाँ पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर पाया और मैंने एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई किताब भी नहीं खरीदी थी। मैंने जितने भी बीएड के कंपलसरी पेपर थे उन्हीं को अच्छे से रिवाइज किया था, क्योंकि मैंने बीएड किया था और बीएड में मैंने बहुत मेहनत की थी। वो मेहनत मेरी यहाँ पर काम आई और यहाँ पर मेरा पेपर अच्छा हुआ। रीजनिंग में थोड़ी बहुत जानता था क्योंकि एक दो बार बैंक के एग्जाम दे चुका था। उसके अलावा जीके भी मेरी एवरेज थी और जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम देने गया और देकर आया तो भी मुझे यकीन नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बस ये सोचा था कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल गया तो एडमिशन ले लूंगा और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे फिर से ट्राई करेंगे। और जब यहाँ रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं समझ गया था कि अब तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो एमएड में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई और मुझे यहाँ पर एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो मैंने सन 2012 के सत्र में एमएड किया है और अब तो कई साल बीत चुके हैं। और यदि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपने बीएड में यदि मेहनत बढ़िया करके की है तो आपकी आधी तैयारी तो वहीं से हो गई होगी, उसी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसी की आप तैयारी कर लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न देख लीजिए, क्या क्या आपके यहाँ पर आने वाला है उसको फोकस कीजिए और उसके ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपके लाखों रुपए बचा सकती है और यदि आपका गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एमएड में एडमिशन हो जाता है तो आपको 2 साल की फीस मात्र लगभग 10,000 रुपए तक देनी होगी और आपका एमएड बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।